वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है फ्री फायर। लेकिन क्या तुमको पता है कुछ गेम ऐसा भी है जो कि गरीना फ्री फायर का कॉपी है या गरीना फ्री फायर से भी अच्छा है। ये सारे गेम किसी किसी को फ्री फायर से अच्छा लगता है, किसी किसी को तो फ्री फायर ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में एक गेम के बारे में बात करूंगा जिसका गेम प्ले, फीचर्स, गन स्किन सब कुछ 90% मिलता है फ्री फायर से। और कैसे एकदम न्यू गेम है, मतलब ब्रांड न्यू गेम है। और कैसे अभी के टाइम में जानते हैं इंडिया में फ्री फायर बैंड हो चुका है, तो अपकमिंग बैटल रॉयल गेम भी बन सकता है क्योंकि बहुत ही ऑसम एक गेम है। मतलब इस गेम को खेलोगे ना तो लगेगा फ्री फायर का कोई अपडेट वर्जन खेल रहे हो क्योंकि बहुत ही ओपी अमेजिंग गेम है। धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, अभी से तुम लोग खेल सकते हो। और गाइस इस गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। बहुत ही कम एमबी का गेम है और गाइस एकदम से लो डिवाइस पे भी खेल सकते हो। 1GB RAM, 2GB RAM भी बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स देता है। और गाइस इस गेम को डाउनलोड करना थोड़ा हार्ड है थोड़ा इजी है, मैं दोनों प्रोसेस बता दिया कैसे करोगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखो। और गाइस तुम लोग अगर रूप गेमिंग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑलराइट गाइस अभी जो बैकग्राउंड पे गेम प्ले देख लो ना, ये वो गेम। और गाइस इस गेम का नाम है सिक्स ए राइडर मिशन। और गाइस कोई गेम हम लोग कब खेलते हैं, जब गेम का फीचर्स वगैरह हम लोग को अच्छा लगता है फिर हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में पहले इस गेम के फीचर्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद डाउनलोड का प्रोसेस भी बता दूंगा। इस गेम में फर्स्ट तुम लोग को 3 कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। और गाइस धीरे धीरे जब गेम खेलोगे और भी कैरेक्टर अनलॉक होगा। और गाइस देख सकते ये रहा इस गेम का वेटिंग लॉबी। और गाइस इस गेम में भी तुम लोग ये जो सेटिंग है ना मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हो फ्री फायर की तरह। और इस गेम में जब तुम लैंड करोगे एक पैराग्लाइडर मिलेगा, जैसे कि फ्री फायर में क्या होता है एक ही प्लेन होता है एक ही रूट से ले जाते हैं, लेकिन इस गेम में पर्सनली एक ग्लाइडर होता है जिससे तुम लोग मैप में किसी भी जगह पे किसी के साथ लैंड कर सकते हो, जो कि ये वाला फीचर्स बहुत ही कूल एंड ऑसम। और ये रहा इस गेम का मैप, ये जो रेड कलर का सिग्नल दिख रहा हो ना ये एनिमी, और ये जो ग्रीन कलर का सिग्नल है ना ये हो तुम। और इस गेम में अलग से लूट नहीं मिलता है, इस गेम में होता है सप्लाई बॉक्स जिसको ओपन करने में तुम लोग को बहुत सारे लूट मिलेगा। इवन एनिमी को मारने के बाद भी तुम लोग लूट कर सकते हो। और गाइस कभी कभी तुम लोग को सप्लाई बॉक्स से सुपर पावर भी मिल जाता है, जो गाइस अभी बैकग्राउंड पे देख पा रहे हो ये रहा शील्ड जो तुमको प्रोटेक्ट करेगा। अभी जो बैकग्राउंड पे देख पा रहे हो ना ये एक टैंक, इस टैंक पे जब भी गोली मारोगे ना ये ब्लास्ट हो जाएगा। और ये पॉइजन टैंक, इसमें से एक पॉइजन जोन निकलेगा जिसके अंदर से तुम लोग को बाहर जाना होगा। और इसके अंदर अगर मान लो एनिमी आ गया तो उसको डैमेज देगा। और गाइस इस गेम में अगर तुम लोग एनिमी को किल करोगे तो तुम लोग कुछ कोई डायमंड मिलेगा जो अपने आईडी में ऐड हो जाएगा। तुम लोगों में कोई ना कोई तो पबजी खेलते हो, पबजी में एक बार अपडेट आया था जिसमें एक मॉन्स्टर ऐड किया था जिसका नाम था गॉडजिला। और गाइस इस गेम में भी एक मॉन्स्टर है, बैकग्राउंड पे जो गेम प्ले देख रहे हो ना इसका नाम है टाइटन मॉन्स्टर। अगर इसको मार दोगे तो तुम लोग को बहुत सारे लूट मिलेगा और ये बहुत ही खतरनाक है। इस गेम में ऐसा भी एक फीचर है ना जिसको सुनकर तुम्हारा दिमाग पूरा घूम जाएगा, ये जो टाइटन मॉन्स्टर है ना इसको दोबारा जिंदा कर सकते हो। इसका जो हार्ड है इसको अगर एक्टिवेट कर दो तो ये टाइटन मॉन्स्टर दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो कैसे अभी तुम लोगों से बोलोगे भाई इस टाइटन को जिंदा करके क्या फायदा, ये तो मुझे ही मार देगा, तो ऐसा नहीं है भाई। ये जो टाइटन मॉन्स्टर का अगर तुम लोग जिंदा कर दोगे इसका हार्ड को एक्टिवेट करके तो ये तुम्हारे अलावा बाकी जितने भी एनिमी होगा ना मैप में सबको डैमेज देगा। तो समझ सकते हो कितना अच्छा फीचर है। और कैसे ये वाला फीचर तो मुझे बहुत ही अच्छा। इस गेम का और एक अच्छा फीचर है, इस गेम में तुम लोग को बहुत सारे व्हीकल देखने को मिल जाएगा। अभी जो बैकग्राउंड पे व्हीकल देख पा रहे हो ना इसके ऊपर गन ऐड किया हुआ है, इससे तुम लोग एनिमी को भी डैमेज दे सकते हो। और एक बात बताना भूल गया था, तुम अगर टाइटन मॉन्स्टर को जिंदा कर दो उसके हार्ट को एक्टिवेट करके तो जितना भी किल करेगा तुम्हारे किल में काउंट होगा। तो गाइस चलो इस गेम के लास्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अभी मेरे बैकग्राउंड पे देख पा रहे हो एक हेलीकॉप्टर, क्या गाइस तुम लोग जानते हो ये हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है या नहीं? तो गाइस चलो तुम लोग को दिखाता हूं ये हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है या नहीं, लाइव दिखाता हूं। सो गाइस अभी बात करेंगे इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, इस गेम को कहां से डाउनलोड करें, कैसे करें और ये गेम कितना एमबी का है। लेकिन उससे पहले अगर गाइस तुम लोग इस वीडियो में लाइक नहीं किए हो प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक एक मोटिवेट होता है। तो गाइस प्लीज लाइक कर दो और चैनल पर जो भाई नया हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो गाइस अभी तुम लोग को बताऊंगा कैसे तुम लोग सिक्स ए राइडर मिशन गेम को डाउनलोड कर सकते हो अपने एंड्रॉइड एंड आईओएस में। लेकिन इस वीडियो का स्टार्टिंग में मैं बोला था इस गेम को डाउनलोड करने के दो प्रोसेस है, एक हार्ड एक इजी, तो दोनों प्रोसेस मैं बताऊंगा। पहला प्रोसेस है प्ले स्टोर से। गाइस ये जो गेम है ना सिक्स राइडर मिशन ये ओनली इंडोनेशिया कंट्री में लॉन्च हुआ है और बाकी सर्वर में जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो तुम लोगों को क्या करना होगा, एक इंडोनेशिया सर्वर के वीपीएन से कनेक्ट करना होगा और अपने प्ले स्टोर का जो डाटा है ना इसको क्लियर डाटा कर देना और प्ले स्टोर में सिक्स राइडर मिशन सर्च करना, तुम लोग इस गेम को मिल जाएगा और उधर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके खेल सकते हो। ये रहा पहला प्रोसेस। सो गाइस अभी तुम लोग को बताऊंगा सेकंड प्रोसेस जो कि सबसे आसान एंड इजी है, जो कि वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा इस गेम का जो लिंक है ना तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग वन टैप करोगे और इस गेम को डाउनलोड करके अपने
एंड्रॉइड आईओएस में खेल सकते हो। लेकिन गाइस इस गेम का लिंक अगर मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से दूं तो मुझे यूट्यूब से कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने इंस्टाग्राम के बायो में इस लिंक को लगा दूंगा, तुम लोग जो भी जाओगे इजी से डाउनलोड कर लोगे। और मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, उधर से तुम लोग किल क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम में चले जाना और मेरे इंस्टा के बायो पे तुम लोग को देखने को मिल जाएगा इस गेम का लिंक, या तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा सबको, ठीक है। तो ऐसे गाइस वन क्लिक में आसानी से डाउनलोड कर लोगे। तो पहला प्रोसेस है वीपीएन लगा के प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर का जो क्लियर डाटा करके वीपीएन इंडोनेशिया से कनेक्ट करके उधर से डाउनलोड कर सकते हो, और सेकंड प्रोसेस है लिंक से। तो गाइस यही था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर द वाचिंग, वीडियो कैसा लगा बताना, और गाइस जानता हूं मेरा हिंदी थोड़ा खराब है लेकिन फिर भी अच्छे से बोलने की ट्राई करता हूं तुम लोगों के लिए, इस बात में एक लाइक कर देना, मिलते और एक न्यू ऑसम वीडियो लेकर। तो बाय गाइस।